नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर आयकर छापा, एनसीआर समेत कई शहरों में कार्रवाई। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई शहरों में चीनी मोबाइल कंपनियों के दफ्तरों पर छापा मारा। बताया जाता है कि आयकर विभाग ने चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो ग्रुप और शाओमी ग्रुप के खिलाफ ये कार्रवाई की है। आयकर टीम ने इन समूहों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। इससे पहले कल नेपाल ने कई चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। नेपाल के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर भी चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी गई है। देश में फरवरी में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, कंट्रोल रूम किए जा रहे हैं एक्टिव। वैज्ञानिकों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी में कोविड की तीसरी लहर आ सकती है। आईआईटी कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल और आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर का मानना है कि सबसे खराब स्थिति में फरवरी में दैनिक मामले 1.5 से 1.8 लाख के बीच हो सकते हैं। यदि ओमिक्रॉन के खिलाफ ठोस उपाय किए जाएं तो प्रसार तेजी से होने पर भी शिखर पर पहुंचने के बाद नए केस तेजी से कम होंगे। वहीं अब तक 14 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच गया है। इसे रोकने के लिए राज्यों में कंट्रोल रूम एक्टिव किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण, 500 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के अनुसार ये मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने में भी सक्षम है। प्रलय मिसाइल को इस तरह बनाया गया है कि ये दूसरे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ज़्यादा घातक है। डीआरडीओ ने इसी महीने इससे पहले अग्नि 5 समेत कई बड़ी बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के 10 छात्रों का श्री सीमेंट में चयन। बेहतर प्लेसमेंट के लिए जाने जाने वाले आईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों का बड़ी कंपनियों में चयन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आईएमटी विश्वविद्यालय के 10 छात्रों का चयन प्रतिष्ठित कंपनी श्री सीमेंट ने किया है। विश्वविद्यालय के बीटेक सीई के अर्चित त्यागी, याहिया चौहान, वैभव सोनकर, शानवास खान, प्रशांत कुमार, हर्ष राठी का चयन टेक्नो मार्केटिंग ऑफिसर और एमबीए के राहुल बलियान, अक्षय मलिक, अभिषेक सिंह, वजाहत अली का चयन मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। श्री सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ सियाग ने आईएमटी की सराहना करते हुए भविष्य में भी प्लेसमेंट का आश्वासन दिया। आईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, कुलपति प्रोफेसर एचएस सिंह और आईएमटी समूह के महाप्रबंधक मयंक अग्रवाल ने चयनित छात्रों को बधाई दी है। कानपुर में लव जिहाद मामले में पहली सजा, दोषी को 10 साल की कैद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोप था कि जावेद नाम के व्यक्ति ने मुन्ना नाम बताकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसको ले जाकर निकाह करने की तैयारी में था। करीब 4.5 साल पहले कानपुर के जूही थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी जावेद उर्फ मुन्ना को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। डीजीसी दिलीप अवस्थी का कहना है कि कानपुर में लव जिहाद मामले में आरोपी को ये पहली सजा है। पंजाब में किसान आंदोलन जारी, कई ट्रेनों का आवागमन बाधित। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए पूर्ण ऋण माफी और मुआवजे की मांग को लेकर पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने कई स्थानों पर रेल पटरियों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे 156 ट्रेनों पर असर पड़ा। फिरोजपुर डिवीजन में 84 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 47 को निर्धारित गंतव्य से पहले रोक दिया गया और 25 ट्रेनों को कम दूरी तक संचालित किया गया। किसान मजदूर संघर्ष समिति फसलों के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, गन्ने का बकाया भुगतान करने और ठेका व्यवस्था समाप्त करने की भी मांग कर रही है। सबसे महंगा तलाक, दुबई के किंग को सेटलमेंट के लिए देने होंगे 5,500 करोड़ रुपए। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को अपनी पत्नी राजकुमारी हया को तलाक के अवज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए देने होंगे। हालांकि राजकुमार हया ने सेटलमेंट के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए मांगे थे। ब्रिटिश हाई कोर्ट के जज फिलिप मूर ने राजकुमारी हया और उनके बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए भी आदेश दिया है। ये सेटलमेंट ब्रिटिश कानूनी इतिहास के सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है।
राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।